जस्ट लुक एट दी एम्बियंस यार, फूड तो देखो क्या बढ़िया लग रहा है यार, वाओ। आई एम इन लव विद दिस प्लेस यार, कितनी प्रिटी प्लेस है यार, वाओ। ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है, खाने का तो जवाब ही नहीं, वाह। ये पिज्ज़ा भी लग रहा है वुड फायर। आज हमें दिल्ली मेरठ हाईवे पे और हमें लग रही है बहुत भूख और बढ़िया से रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं आज। एंड गाइज ये प्लेस बहुत ही प्रिटी लग रही थी तो आज हम यहाँ पे रुके हैं और आपको रिव्यू देते हैं यहाँ। हाई गाइज वेलकम बैक टू राइज ऑफ फ्लेवर्स। तो आज हम जा रहे थे ऋषिकेश तो हमने सोचा भाई कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट पे जाके बढ़िया सा कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई हाईवे पे बंदा सिर्फ दो रीजन से रुकता है, या तो एक रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो या वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं, यहाँ पे भीड़ भी मिलेगी आपको और बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है ये। तो हम यहाँ पे रुके और हमने सोचा कि भाई ब्लॉग ही क्यों ना बना लें, अपनी ऑडियंस को कुछ अच्छा सा दिखाते हैं यहाँ। तो हम रुके हैं मीरा बिस्ट्रो 2.0 पे, जो कि दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट की दूरी पे है। चलो अंदर चल के यहाँ का फूड वगैरह ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। ये प्लेस बाहर से जितनी ही प्रिटी लगती है उतनी ही अंदर से भी प्रिटी है। ये आप देखो यहाँ का एम्बियंस कितना प्यारा है यार, कितना अट्रैक्टिव कलर्स इन्होंने यूज़ कर रखे हैं, इंटीरियर्स इतने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ के, मतलब आप प्रॉपर फैमिली के साथ आके यहाँ पे अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट या लंच एंजॉय कर सकते हो। और ये इनका ओपन स्पेस है एंड यू नो व्हाट, इनकी एक इन हाउस बेकरी भी है जो कि बहुत टेस्टी टेस्टी केक्स डोनट्स वगैरह बनाती है। ये आप देख सकते हो कितने बढ़िया यहाँ पर फ्रेशली बेक्ड डोनट्स केक्स रखे हुए हैं। तो भाई एम्बियंस तो एकदम अमेजिंग है ही। अब मैं कहता हूँ इनके किचन में चलते हैं और इनका खाना ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना डोसा वगैरह लगवा लिया है, रवा डोसा लगवाया है हमने यहाँ पे। तो ये उसकी प्रिपरेशन तैयार हो गई है, हाइजीन का पूरा तरीके से ख्याल रखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने एंड प्रॉपर सही तरीके से बनाया जा रहा है। आप स्टफिंग देख रहे हो कितनी अच्छी यूज़ हो रही है यहाँ पे। ये आलू का इन्होंने मसाला डाल दिया है रवा डोसा पे और हमारा रवा डोसा तैयार हो गया है। भाई साहब सांभर देख सकते हो आप, कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया लग रही है सांभर की। ये पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं सांभर इकट्ठा एंड जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे ही गर्म करके सबको सर्व कर देते हैं। तो हमारा डोसा रेडी हो गया है, प्रेजेंटेशन देख लो आप कितनी सही लग रही है, प्रेजेंटेशन की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। अगर आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं तो चीज़ भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें। और ये अब हमारी लग रही है भल्ला चाट, जैसा कि मैंने कहा प्रेजेंटेशन का पूरा ख्याल रखा हुआ है एंड हाइजीन का भी। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है एंड आप क्वालिटी देख सकते हो फूड की कितनी ही बढ़िया लग रही है। जैसा प्रॉपर अच्छे रेस्टोरेंट्स का खाना होता है वैसे ही यहाँ पे सर्व हो रहा है। शायद ही मैंने कहीं हाईवे पे देखा होगा कि इतनी सही तरीके से प्रेजेंट करके आपको खाना सर्व कर रहे हैं। ये भल्ला पापड़ी चाट भी लग गई है हमारी, पापड़ी चाट। और ये हमने इडली सांभर लगाया है, इडली की शेप देखो आप कितनी बढ़िया है यहाँ पे एंड प्रेजेंटेशन कितनी प्यारी है, बनाना लीव्स में रैप करके दे रहे हैं। तो भाई हमारा खाना सारा आ चुका है, ये हमारी नॉर्थ इंडियन थाली है, छोले कुलचे हैं, छोले भटूरे हैं, भाई वैरायटी पूरी है एंड सब कुछ ट्राई करते हैं और आपको रिव्यू बताते हैं। तो गाइज मैंने अपना टेस्टिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट करा सबसे पहले इस रवा मसाला डोसा से और इस डोसे का टेस्ट मतलब माइंड ब्लोइंग था। मतलब सीरियसली हाईवे पे इतना अमेजिंग डोसा तो मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था मेरे लिए, बट स्टिल इसका टेस्ट बहुत अच्छा था और सबसे बेस्ट था इसका सांभर। अब इसके बाद मैंने यहाँ का ट्राई करा ये मटर कुल्चा। वेल अगर मैं इस मटर कुल्चे की मटर की बात करूँ तो लिटरली उनका टेस्ट इतना अमेजिंग था और सीरियसली मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई तुम हाईवे पर बैठ के मटर कुल्चा खा रहे हो, मज़ा आ गया एकदम ट्राई करके। एंड अगर मैं बात करूँ इस मटर कुल्चा की तो सीरियसली ये वर्थ ट्राइंग आइटम है इस जगह का। तो अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ ये ट्राई ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडियन लवर्स के लिए। वेल अगर आप एक नॉर्थ इंडियन लवर हैं तो ये थाली आपके लिए एक अल्टीमेट ट्रीट है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं इस थाली में है बहुत सारी वेराइटीज़, मतलब एक बंदे के लिए मोर देन सफिशेंट है।
तो अगर आपको ट्राई करना है कुछ बहुत अमेजिंग सा नॉर्थ इंडियन फूड में, तो ये थाली आपके लिए अल्टीमेट है। मैंने इसकी दाल मखनी से स्टार्ट करी थी और जैसा कि आप देख सकते हैं दाल मखनी की कंसिस्टेंसी कितनी अमेजिंग है। तो ये बहुत 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 बढ़िया थी, मतलब सीरियसली खा के एकदम ओए होए फील्स आ रही थी। तो अगर आपको ट्राई करनी है तो ये दाल मखनी भी वर्थ ट्राइंग है। तो गाइस हमारी छोटी सी सिस्टी का छोटा सा पेट भर चुका है, अब बारी है मेरी छोले भटूरे ट्राई करने की। बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, तो ट्राई करते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है छोले भटूरों की। और ये मैंने एक बाइट ली है, पनीर वगैरह सब डल रखा है अच्छे से, और प्याज के बिना तो छोले भटूरे अधूरे हैं। और ये मैंने बाइट ली एंड टेस्ट में बहुत ही लाजवाब थे यार, बहुत ही लाजवाब। एंड अब ये पाव भाजी ट्राई कर रहे हैं, पाव भाजी भी कितनी बढ़िया लग रही है। प्रेजेंटेशन यार, प्रेजेंटेशन के लिए मैं 5/5 दूँगा। मतलब हाईवे पे ऐसी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना फूड की बहुत ही सही है यार। एंड टेस्ट में भी, टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन वाइज फूड वाज सुपर सुपर गुड। पाव भाजी भी मैंने ट्राई करी, बहुत ही यम थी ये पाव भाजी भी। जैसा कि मैंने कहा, अगर पैसे चार्ज कर रहे हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, विद अ गुड एम्बियंस। तो हमारे जैसे लोगों को ये जगह बहुत ही पसंद आएगी, तो मीरा बिस्तर 2.0 ज़रूर विज़िट करें। तो गाइस ये है मीरा बिस्ट्रो रेस्टोरेंट, जो कि आपको मिलेगा मेरठ से दिल्ली के रास्ते में। और यहाँ पर हम अंदर एंटर करने जा रहे हैं, तो देखिए ये है यहाँ की एंट्रेंस, और देखते ही उलाला फील्स तो आनी बनती ही है। तो ये है यहाँ की एंट्रेंस, और जो कि पूरी तरीके से लाइटनिंग से सजी हुई है, मतलब इतनी सही तरीके से सजी हुई है कि यहाँ पर नाना करते हुए आपको अच्छी वाइब आनी तो है ही। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर अंदर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इवन लाइव सिंगिंग भी चल रही है, पूरा स्टाफ आपको वेलकम करने के लिए खड़ा है। और ये है यहाँ का एम्बियंस, अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। आज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बेकरी भी है, यहाँ पे ओपन रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर सब कुछ है। तो अंदर चल के देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। और ये है हमारी लाइव सिंगिंग। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी जगह पे आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं मीरा बिस्तरों में। तो ये है यहाँ का छोटी सी बेकरी कैफ़े, जो कि पूरी तरीके से डेकोरेट हुई हुई है। तो अगर आपको अपना बर्थडे मनाना है तो इससे बेटर जगह नहीं हो सकती। इसके बाद आते हैं इसके आउटडोर सेटिंग पे, तो ये इतनी सुंदर तरीके से सजा हुआ था कि बस मज़ा आ गया। अब चलते हैं इनके छोटे से इंडोर सेटिंग में, और यहाँ की भी वाइब अलग ही है। मतलब सीरियसली अंदर घुसते ही जो मज़ा आया ना, मतलब उसका कोई मैच ही नहीं था। और अब चलते हैं इनकी हट्स वाली जगह पे, तो ये है प्रॉपर इन्होंने जहाँ पर अपनी हट्स बनाई हुई है, वहाँ पर बैठकर भी आप इनकी डाइनिंग का मज़ा ले सकते हैं। अब जा रहे हैं हम इनके फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में, तो ये है यहाँ का फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। यहाँ पर आप बैठिए, बिल्कुल अपना फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और आपको एकदम मज़ा सा आ जाएगा। और गाइस ये है यहाँ की हट्स, जहाँ पर आप डाइनिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी हट्स बनी हुई हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर आकर डाइनिंग एक्सपीरियंस ले सकती हैं। तो गाइस अब चलते हैं हम अपने फूड टेस्टिंग एक्सपीरियंस पे। तो ये हमारा खाना आ रहा है हमारी टेबल पे। सबसे पहले हमने मंगाया है वेज प्लैटर, उसके बाद आए हैं हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स, और इसके बाद आने वाले हैं सारे के सारे नॉन वेज आइटम्स। तो ये आए हैं सबसे पहले चिकन लॉलीपॉप, और ये सारे आइटम्स आ गए हैं हमारी टेबल पर। अब मैं स्टार्ट करूँगी कुछ वेजिटेरियन टेस्ट करने से। तो सबसे पहले जो मैंने ट्राई करा है वो है यहाँ के क्रिस्पी कॉर्न्स। मेरे को क्रिस्पी कॉर्न्स बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो यहाँ के भी ट्राई किए जाएँ। और यहाँ के क्रिस्पी कॉर्न्स सीरियसली वर्थ ट्राइंग आइटम थे, मुझे काफ़ी पसंद आए। अब बारी आती है वेज प्लैटर की, तो ये है हमारा वेज प्लैटर, और इसको टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी काफ़ी अमेजिंग था।
मतलब खा के एकदम मज़ा सा आ गया। और इसके बाद मैंने ट्राई करा अपना सबसे फेवरेट चीज़ जो भी है पनीर। तो ये पनीर काफ़ी स्पॉन्जी, काफ़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था एंड इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट था। तो ये था मेरा फूड टेस्टिंग एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ का वेजिटेरियन खाना काफ़ी पसंद आया। अब चलते हैं वैभव की तरफ और देखते हैं क्या पसंद आया। गाइस, जितनी ही प्रेजेंटेशन मीरा बिस्ट्रो 2.0 में थी उतनी ही अच्छी मैं यहाँ मीरा बिस्ट्रो में भी देख रहा हूँ, जो कि ओरिजिनल ब्रांच है यहाँ की। एंड यहाँ पे हमने थोड़ा डिफरेंट मेन्यू ट्राई किया है। चिकन साथे ट्राई किया है मैंने, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। इसके फ्लेवर्स बहुत ही अमेजिंग थे। एंड ये अब चिकन लॉलीपॉप ट्राई कर रहे हैं हम। फ्लेवर्स बहुत ही अमेजिंग थे, एकदम चटपटे। एंड भाई, मैं तो ग्रीन चटनी के साथ खाना पसंद करता हूँ ये। सो द टेस्ट वॉज सो गुड एंड प्लेस वाइज अमेजिंग है ये प्लेस, बहुत ही अमेजिंग। आप एम्बियंस देख सकते हो, कितना ही प्रिटी एम्बियंस है, बिल्कुल गोवा जैसी वाइब्स आ रही है यार। मतलब हाईवे पे इतना प्रिटी रेस्टोरेंट मैंने पहली बार एक्सप्लोर किया है एंड इट वॉज वर्थ एक्सप्लोरिंग, बिल्कुल वर्थ था। फूड एम्बियंस वाइज बहुत अमेजिंग प्लेस है ये। एंड हम अपनी एंडिंग करेंगे स्वीट से, जो कि है हमारी फेवरेट ब्राउनी विद आइसक्रीम विद लाइव सिंगिंग दैट वी आर एंजॉइंग हियर। सो ये हमारी ब्राउनी तैयार हो रही है यहाँ पे। प्रेजेंटेशन का यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। आप देखो ब्राउनी भी कितनी प्रिटी प्रेजेंटेशन है इस ब्राउनी की भी। यहाँ पे देखो कितनी बढ़िया लग रही है यार ये इसकी प्रिपरेशन। मेरे तो मुंह में देखते ही पानी आ रहा है यार, वाओ। एंड ये चॉकलेट स्टिक किस किस की फेवरेट है मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरे को तो बहुत पसंद है ये। एंड ये हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी है। एंड अब इस पे जो लास्ट टचअप रह गया है वो है चॉकलेट सिरप का। एंड अब इस पे ये चॉकलेट सिरप और आ गई है। एंड अब ब्राउनी इज रेडी, नाउ वी विल ऐड सम हॉट चॉकलेट टू इट। एंड आप एम्बियंस देख रहे हो कितना प्रिटी लग रहा है यार यहाँ पे। एंड इतनी प्यारे एम्बियंस में इतनी बढ़िया डेजर्ट खाने का मज़ा और भी अमेजिंग है यार। अब मैं तो भाई पागल ही हो गया इस प्लेस को एक्सप्लोर करके, मैं यहाँ पे बार बार जाऊँगा, इतनी प्रिटी प्लेस है ये। एंड आप भी ज़रूर जाना। एंड आपको 30% ऑफ यहाँ पे मिल सकता है हमारा रेफरेंस देने से। अगर आप वहाँ पे कहोगे कि हम राइज ऑफ फ्लेवर्स की वीडियो देख के आए हैं, तो आपको 30% ऑफ मिलेगा इस रेस्टोरेंट में, मीरा बिस्ट्रो 2.0 एंड मीरा बिस्ट्रो में। तो गाइस, ये था हमारा मीरा बिस्ट्रो में जहाँ पर हमने एक्सपीरियंस करा एकदम एस्थेटिक वाइब, गुड फूड, गुड क्राउड, जो कि हाईवे पे आपको कहीं नहीं मिलेगा बट यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो अगर कोई बढ़िया सी प्लेस चेकआउट करनी है, बढ़िया सा खाना खाना है, बढ़िया सी वाइब लेनी है एम्बियंस की और बढ़िया सा म्यूजिक सुनना है, अगर ज़रूर आए मीरा बिस्ट्रो जो कि है दिल्ली मेरठ हाईवे पे, और एक्सपीरियंस कीजिए बहुत अमेजिंग खाना और बहुत अमेजिंग वाइब। ओके बाय।